हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वार्तिका है। मैं अपने चैनल पर डांस कवर्स और उनके ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो आपको अगर डांस देखने में या सीखने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। द हैंडल इज राइट हियर। एंड सो आज का ट्यूटोरियल वीडियो है वो किसना है। बिना ज्यादा टाइम खराब किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप में हम बैक करके खड़े हैं टुवर्ड्स द ऑडियंस। ठीक है, दोनों हाथ नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। मैं अपने लेफ्ट साइड में बेंड होंगी, ठीक है, और दोनों हाथों को खोलेंगे। ठीक है, क्या किया, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद में ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, जिस तरफ से मैं झुकी थी ये मेरा राइट हैंड है, फिर घूम जाऊंगी और घूमने के बाद दोनों हाथ नीचे से ऊपर आएंगे शोल्डर तक। शोल्डर तक आने के बाद में दोनों हाथों का थम्स अप बना लेना है या शोल्डर पर रखना है। एंड देन 1 2। ओके, पूरा पीस देख लेते ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कमर चाहिए साथ में। लेफ्ट हैंड को ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, दो कदम से लेफ्ट साइड में चलेंगे। ठीक है, ये करने के बाद में अगेन थम्स अप बना लेंगे, दोनों मुट्ठियों को ऐसे जोड़ेंगे और बाहर की तरफ खोलेंगे 1 2 3 4। ओके, उसके बाद में एक चक्कर लेकर वापस सेंटर में आएंगे। ठीक है, और फिर जमुना तक दिखाना है ऐसे, कुछ नहीं कर रहे, सेंटर में से हाथ वेव करके ओपन करने हैं साइड में, ये राइट साइड में देखते हुए करेंगे। ठीक है, और दो कदम से आगे चलेंगे अगेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वो जमुना तट। ठीक है, फिर अगेन थोड़ा सा म्यूजिक आता है टन न न न न, तो उसमें वहीं पे खड़े होके या सेंटर में आ जाना वापस टन न न न न। ठीक है, क्या किया, शोल्डर रोल, शोल्डर रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एक कदम लेफ्ट साइड में जंप करना है लाइक दिस। ठीक है, और जब ये कर रहे हैं तो दोनों हाथ कमर के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, सेम हो जाएगा 1 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में जंप करेंगे 3 4, और हाथ क्या आएगा, यहां आ जाएंगे, बांसुरी बनाएंगे हम। ठीक है, कैसे है हाथ, ये अंगूठा और ये लिटिल फिंगर ओपन है, बाकी सब अंदर। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद लेफ्ट हैंड को अगेन एक्सटेंड करना है, एक चक्कर लेंगे। ठीक है, चक्कर खत्म होते ही दोनों हाथ सर के ऊपर ऐसे ही चले जाएंगे, एक तरफ बेंड होना है आपको। ठीक है, लाइक दिस। तो ये पूरा पीस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में म्यूजिक पीस आता है, उसमें क्या करना है, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, और ये शोल्डर बैक 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 ऐसे करके दो बार हल्का हल्का सा उछलना है। ठीक है, से हो जाएगा 1 2। ठीक है, मतलब हल्का सा ऐसे समझो कि लेफ्ट पैर से किक करके रखा, किक करके रखा, पर बॉडी लिफ्ट करिए साथ में। ठीक है, तो वो जंपिंग मैनर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, फिर 3 4 में दोनों हाथ यहां आएंगे चेस्ट के आगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड एक्सटेंड करेंगे बैक, राइट साइड में राइट हैंड एंड बैक। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम राइट साइड में जंप करेंगे और दोनों हाथ की मुरली बनेगी, हो जाएगा मुरली बजाइया, फिर रास रचाइया बोल आते हैं, तो उसमें हाथ नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे और हम बैक करेंगे। ठीक है, आधा आधा चक्कर लेना है। So, रास रचैया, ठीक है, उसके बाद में शाम सलोना है वाली जो बोल आते हैं उसमें राइट हैंड को मैं रोल करती हुई साइड में लेकर आऊंगी, लेफ्ट हैंड ऊपर ही रोल हो रहा है। ठीक है, जब ये 1 2 3 4 करेंगे तो फोर्थ में हमें एक लुक देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में अगेन एक छोटा सा विंडो आता है, उसमें हम सीधे हो जाएंगे, कैसे, लेफ्ट हैंड जो ऊपर है उसको ऐसे घुमाएंगे और उसी की हेल्प से सीधे हो जाएंगे। उसके बाद में बोल शुरू होते हैं, जो है बेला मद नैनों।
डालना। एक कदम राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे और फिर लेफ्ट फीट उसके साथ में रखेंगे और हैंड बाहर से अंदर, ठीक है। सो हो जाएगा 1 2, ठीक है। 3 4 में लेफ्ट हैंड नीचे से इसे घुमाते घुमाते ऊपर लेकर जाएंगे और हाफ बैक कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 4, ठीक है। फिर सेम हाथ को यूज करते हुए हमें आंखों के पास ऐसे वेव बनानी है और सीधे हो जाएंगे और लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो ये कॉन्टिन्यूशन में आएगा, सीधा होना और लेफ्ट की तरफ चलना। तो ये लेफ्ट की तरफ गए 2 कदम, फिर 2 कदम राइट की तरफ और राइट हैंड से वेव। ये पूरा पीस देख लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है अलबेला मदनैनो वाला। उसके बाद में बोल आते हैं जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। तो उसमें क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ जिसकी। फिर दीवानी वाले बोल में हम एक चक्कर लेंगे, दोनों हाथों की ये फर्स्ट इंडेक्स फिंगर बाहर निकालेंगे और सर के पास ऐसे रोल करेंगे और साथ में चक्कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी दीवानी, ठीक है, ब्रिज की हर बाला। अगेन राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे, लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करेंगे, फिर दोनों हाथ नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकेंगे, ठीक है, बाला। तो ये पूरा पीस हो जाएगा, जिसके दीवानी ब्रिज की हर बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किस। फिर बोलाते हैं वो किसना है, टाना ना ना, थोड़ा सा म्यूजिक आता है, ठीक है। तो यहां एम किया, दोनों हाथ आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और फिर पीछे लेकर आएंगे और बांसुरी बनाएंगे अगेन। पर ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे सीधे नहीं ला रहे, यहां से आगे की तरफ लेकर गए और फिर अपनी तरफ लाएंगे, ठीक है। और चाहिए आपको तो 2 कदम पीछे भी चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, वो किसना है, किसना है। उसके बाद में बीट्स पे शुरू होता है वो किसना है। और मैं अपना लेफ्ट साइड यूज करूंगी इसके लिए, आप फ्री आप राइट यूज कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट है तो, ठीक है। तो अब उसमें क्या करेंगे, राइट हैंड जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि हमें उसे ऊपर रखना है, ठीक है। तो राइट हैंड जा रहा है नीचे से ऊपर, तो अब लेफ्ट हैंड क्या जाएगा, ऊपर से नीचे, लाइक लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, और राइट हैंड अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। और जब ये स्टेप कर रहे हैं 1, तो राइट वाला फीट आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 में वापस आएंगे हम, फीट वापस आ गया, राइट हैंड राइट शोल्डर पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला कमर पे रख लेना, एल्बो पे रख लेना, आपकी विषय। 3 4, ठीक है, वापस ये पीस रिपीट होगा, 1 2 3 4, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये पूरा पीस 2 बार रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो किसना है, वो किसना है। उसके बाद में वापस से बोल रिपीट होते हैं, वो किसना है। अगेन बांसुरी बना लेंगे मुंह के पास में और इसको ऐसे सर्कल बनाएंगे छोटे छोटे से मुंह के पास ही, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से सर्कल, ठीक है। और एक चक्कर बनाना है हमें फ्लोर पे, ठीक है। सी अगेन आपकी चॉइस है, आप ऐसे जाना चाहते हैं या ऐसे जाना चाहते हैं, ठीक है। वो किसना है, किसना, ठीक है। किसना वाले बोल पे वापस आ जाना है वाला जो लिरिक्स आएंगे उसमें क्या करेंगे, बांसुरी स्विच करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। फीट कैसे चलेंगे, मैं राइट फीट यूज कर रही हूँ, फ्री हूं, आप लेफ्ट यूज करना चाहते हैं लेफ्ट कर लेना, आगे पीछे आगे पीछे। ये वाला पीस 4 टाइम्स आएगा, यहां थी बांसुरी 1 2 3 एंड 4, ओके। सो इट्स लाइक वो किसना है, किसना है, 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 वो किसना है, किसना है। उसके बाद में बोल रिपीट होते हैं जो है अलबेला मदनैनो वाला। आप फ्री है, अगर आप पहले वाला यूज करना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने किया मैं वो बता देती हूँ। बहुत ज्यादा फर्क इसमें भी नहीं है, बहुत सिमिलर से है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन लेफ्ट साइड में जंप करेंगे, दोनों हाथ लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है, स्टेप 1 में। फिर 2 में लेफ्ट हैंड को नीचे से ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा
1, 2, 3, 4, ठीक है, और 3, 4 में कमर डाउन डाउन, ठीक है। उसके बाद में हम बैक, मतलब मैं अपनी पीठ दिखा के घूमूंगी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड चूंकि मेरा खुला है तो उससे मैं ऐसे वेव करूंगी आंखों के आगे, फिर राइट हैंड से करूंगी, ठीक है, पर जब तक मैं घूम रही हूं मैं लेफ्ट हैंड यूज करूंगी। सो ये हो जाएगा 3, 4 यहां किया, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सो ये पूरा पीस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फिर बोलाएंगे जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, राइट हैंड साइड में दोनों हाथ एक्सटेंड करने हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों हाथ एक्सटेंड करने हैं, फिर वहीं खड़े खड़े ऐसे सर को रोल करना है और दीवानी ऐसे करना है जैसे हमने पहले किया था, बस इसमें चक्कर नहीं है। तो ये हो जाएगा दीवानी, ठीक है। फिर ब्रिज की वाले जो बोल आएंगे उसमें हम हाथ ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है, कैसे लेकर गए, बॉडी के आगे से, फिर सर के पीछे, फिर जैसे ही सर के इस तरफ आ जाएंगे ना, अज्यूम करना कि कोई दुपट्टा है और आप ऐसे खींच रहे हो उसको, और यहाँ पे 1 सेकंड का हॉल्ट है, ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे यहाँ, हॉल्ट है। तो ये पूरा पीस हो जाएगा, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। फिर आगे का पीस सेम है, वो किसना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही है, वो किसना है। 3, 4, 1, 2, 3, 4, किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। अब सी हमने इस बार 3 times किया, उसके बाद में हम एक फटाक से एक चक्कर लेंगे, मोर पंख बना लेंगे दोनों हाथों का। हम अक्सर हमारे डांस में ये मुद्रा रखते हैं हाथों की, वही मुद्रा है ये, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा जोड़ लेना है लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। सो ये यहाँ एंड किया था, एक चक्कर लेंगे फटाक से और राइट साइड पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये जो लेफ्ट हैंड है मेरा वो यहाँ आएगा मुंह के पास, और राइट हैंड है वो सर के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मोर पंख होता है ना सर के ऊपर होता है एक, और एक उसमें होता है बांसुरी में होता है, ये वो डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये पूरा पीस हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, किसना है, किसना है। और गाना वहीं खत्म हो जाता है। मैंने बहुत ही छोटा सा स्वीट सा सॉन्ग लिया है, आई होप यू लाइक माई कोरियोग्राफी ऑन दिस सॉन्ग, इफ यस प्लीज हिट थम्स अप। एंड पूरे गाने पे वन को मैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेन सॉन्ग पर जाके प्रैक्टिस करें। मेन वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप वहां जाकर देख सकते हैं, पूरे गाने पे एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रख सकते हैं, बाय बाय।